स्वागत करता हूं आपको एक और शानदार वीडियो में। फाइनली आपने जो है माइंडसेट कर लिया है कि मुझे भी गूगल एडवर्ड से वीडियो को प्रमोट करना है, और आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि भाई आज के कंपटीशन के हिसाब से कुछ अलग थोड़ी सी करना ही पड़ेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है अनलिमिटेड गूगल का रिडीम कोड कैसे आपको मिल सकता है। जहां तक कि आपको पता है कि गूगल एक नए यूजर को 2000 रुपए स्पेंड करने के लिए अपने तरफ से एक कूपन कोड देता है, जो 2000 रुपए को हम अपने उसी गूगल एडवर्ड के अकाउंट में यूज करके अपने एड्स को थोड़ा कुछ दिन के लिए और बढ़ा लेते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि 2000 रुपए का कूपन के अलावा भी आप चाहें तो आप जितने कूपन चाहें उतने कूपन ले सकते हैं। सुन के मतलब यहां सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि भाई एक ऐसा हो सकता है, बिल्कुल आप आराम से ध्यान से इस वीडियो को देखें, और हो सके तो आप वीडियो को स्किप करके करके ना देखें यार, क्योंकि जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं सेम यही आपको करना है। और 110% यार आप देख सकते हो ये वीडियो किस तरह से फेक नहीं है, आप कैसे देख सकते हो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। और यहाँ पे लाइक डिसलाइक के बटन भी बिल्कुल ओपन है, कमेंट के बॉक्स यानी कमेंट सेक्शन भी ओपन है। अगर कुछ फेक वीडियो होता तो भाई ये सब कुछ बंद रहता, और इस चैनल पे आपको किसी तरह से कभी भी फेक वीडियो नहीं मिला है और ना ही आने वाले फ्यूचर में मिलेगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा एंड में तो बता रहा हूं आपको वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। आप चाहे तो अभी भी कर सकते हो, लेकिन वीडियो को देखने के बाद करना कि इस वीडियो में वाकई में दम है या नहीं है। दम क्या यार, मतलब कि ये वीडियो पे जो चीज बताया जा रहा है वो सही है या नहीं है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप, जब आपको गूगल एडवर्ड पे अपने वीडियो को प्रमोट करना है तो उसके लिए आपको एक गूगल एडवर्ड का अकाउंट बनाना होता है। आप मेरा वीडियो देख के बना सकते हैं या किसी और के देख के वीडियो बना सकते हैं, लेकिन मेरा वीडियो मिलेगा कहाँ? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप उसे देख करके अपने कैंपेन यानी अपने वीडियो को एक सेट कर सकते हैं। वीडिंग बजट जो भी, मतलब एक गूगल एडवर्ड में प्रॉपर सही तरीका क्या है एड्स पे चलाने के अपने वीडियो को, वो चीज मैंने बताया है, ठीक है? तो आप वीडियो को जरूर देख लेना, या आप चाहें तो यूट्यूब पे किसी और का वीडियो आप देख सकते हैं। अब फाइनली ये सब कुछ आपने कर लिया, एक अकाउंट भी आपने बना लिया, लेकिन याद रखें कि पहला स्टेप में मैं यहां पे ये बता रहा हूं कि पहली बार जब अपने वीडियो को एड पे चलाने जा रहे हो तो अपना यूट्यूब वाली अकाउंट से करें। हर कोई वही बताते हैं यूट्यूब के अकाउंट से, तो यूट्यूब वाले अकाउंट से करें। और आप जैसे अपने वीडियो को, जो अपने वीडियो ने प्लान किया है वो वीडियो को आपने एड सेट कर दिया, उसके बाद आप 2000 रुपए ओनली 2000 रुपए आप डिपॉजिट करें, डेबिट कार्ड क्रेडिट जैसे भी पेमेंट मेथड से उस 2000 रुपए ऐड चलने दें, ओके? 2000 रुपए स्पेंड करने के बाद में आप और पैसे इसमें न डालें। लेकिन याद रखें आपको स्पेंड के जगह में 2000 रुपए दिखाने चाहिए, ये ना था कि वहां डिपॉजिट के लिए, क्योंकि यहां पे जीएसटी भी कुछ पैसे कट होता है। तो 2000 रुपए का आपको क्रेडिट कूपन लेने के लिए आपको 2000 रुपए का स्पेंड करना होता है, ये ना था कि 2000 रुपए डिपॉजिट, ठीक है? तो जब इसका मतलब यह हुआ कि आपको 2100 रुपए आपको डिपॉजिट करना होगा, ठीक है? क्योंकि कुछ पैसे जीएसटी कट जाते हैं। अब ये सब कुछ आपने कर लिया तो आपको क्या हुआ, आप समझ गए यहां पे कि 2000 रुपए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि 2000 रुपए आपको और मिल जाता है गूगल की तरफ से अगले एक महीने के बाद, मतलब जब आप क्रिएट करते हो उसके अगले महीने, यानी एक महीने के बाद आपको 2000 रुपए का कूपन आपको मिल जाता है, और वो कूपन ऑटोमेटिकली आपको विड्रॉल होके उसी अकाउंट में जमा हो जाता है, और उसी पैसे को आप फिर से आप अपने एड पे खर्च कर सकते हो कुछ दिन के लिए और आपके एड आपके चलेंगे। अब आपको यहां पे 2000 रुपए तो आपको मिल गया, लेकिन बात यहां पे टॉपिक ये है कि आपको अनलिमिटेड कूपन, अनलिमिटेड आपको पैसे, मतलब आप 10000 रुपए खर्च कर रहे हो तो 10000 रुपए मिलनी चाहिए, सही है ना? तो उसके लिए अब क्या करना है वो आप ध्यान से सुने। अब उसके लिए आपको करना दोस्तों ये है कि 2000 रुपए यहां पर खत्म, क्या कहानी, 2000 रुपए आपको वहां पर आपको रिडीम कोड मिला, लेकिन नेक्स्ट अगले 2000 रुपए के लिए आपको ऐसा नहीं करना है, नया अकाउंट क्रिएट करना है। नया क्या अकाउंट, नया एक जीमेल आईडी होना चाहिए, नया या किसी तरह से भी आपके जीमेल आईडी है उसी अकाउंट पे एक गूगल एडवर्ड अकाउंट फिर से सेटअप करो, और फिर से उसी तरह से आप 2000 रुपए का प्रोसेस करो। सेंड किया, लेकिन यहां पे सीन है, रुको ऐसा नहीं मिलेगा आपको। अब यहां पे आपको करना क्या है, अब आपको फिर से वही वीडियो को या किसी और वीडियो को, यानी वो भी वीडियो भी ले सकते हैं या किसी और वीडियो भी ले सकते हैं, उस वीडियो को फिर से आपने वैसे सेटअप किया, फिर से वहां पे 2100 रुपए डिपॉजिट किया और 2000 रुपए रन किया आपने कैंपेन, आप 2000 रुपए किए। अब वो 2000 रुपए भी आपने खत्म करने के बाद आपको 2000 रुपए का फिर से आपको कूपन कोड मिलता है, अब वो कूपन कोड आप फिर से आप यूज कर सकते हैं। जब आप नया जीमेल आईडी क्रिएट करके नया जीमेल आईडी पर जब आप अकाउंट को आपने बनाओगे, यानी गूगल एडवर्ड का अकाउंट बनाओगे, तो वहां पर एक चीज का ध्यान रखना होगा, नहीं तो गूगल एडवर्ड का अकाउंट जो है अप्रूवल ही नहीं होगा, मतलब वो एड चलेगा नहीं।
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने चैनल वाले जीमेल आईडी से आप अपने अकाउंट को बनाते हो गूगल एडवर्ड का, तो ऑटोमेटिकली वो तो आपके उसी ईमेल आईडी पे रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब आप दूसरे ईमेल आईडी से यानी दूसरा कोई अकाउंट बनाओगे, तो वहां पे इशू ये आता है कि वहां पे बोलता है कि यू मस्ट बी ऐड योर गूगल एडवर्ड टू योर चैनल्स, मतलब लिंक करने के लिए बोलता है, ऐड करने के लिए बोलता है, लिंक करना ही पड़ेगा गूगल एडवर्ड के अकाउंट को अपने चैनल से लिंक करना। अब उसका प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, और यहां पे आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, वैसे आपको अपने चैनल को लिंक कर लेना अपने उस गूगल एडवर्ड का अकाउंट से अपने चैनल को, ओके। और वैसे ही आपको करना है सेम, अब आप जब भी आपको 2100 रुपए यानी कि 2000 रुपए स्पेंड होता है सेम ऐसे, और इसका मतलब यह हुआ कि आपके दिमाग में यह बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि आपको जितना पैसे खर्च करना है हर बार 2100 रुपए के लिए दूसरा अकाउंट बनाना है, और हर बार आपको 200 रुपए का रिडीम कोड, 2000 रुपए का रिडीम कोड आपको वहां पर मिलेगा। यही मेथड अप्लाई करना है, ये ना था कि एक ही बार अपना अकाउंट बनाना है और उसमें 20,000-15,000 रुपए डाल देना है, कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आप सोचिए कि अगर 2000 रुपए अगर यहाँ पे 5 बार करते हो तो 10,000 रुपए होता है, और 100 रुपए एक्स्ट्रा जो मैं बता रहा हूँ 2100 रुपए यानी कि यहाँ पे 10,500 रुपए होता है, और आपको 10,000 रुपए आपको बैक में मिलेगा, आपको रिडीम कोड के मतलब रिडीम कोड के जरिए आपको मिलता है। कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप ये बात को ध्यान रखें और ऐसे आपको करें, स्मार्ट बनो, सब लोग ऐसे कर रहे हैं, मेरे बाजू के मतलब मेरा फ्रेंड भी ऐसा किया, और कभी मुझे जरूरत पड़े तो मैं भी ऐसा कर रहा हूं या करूंगा, तो आपको भी ऐसा करना है। बेवकूफी वाली काम नहीं करना है कि एक अकाउंट बनाया उसमें पैसे डिपॉजिट कर दिया, चल रहा है ऐड, चल रहा है ऐड, थोड़ा सा स्मार्ट बनो तो देखो यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखिए एक्टिव भी है, ये सब स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, लिंक भी है। अब मैं आपको क्या बताऊं, सेम ऐसे ही लिंक करना है और सब कुछ फर्स्ट क्लास चलेगा, जितने मर्जी चाहोगे उतने बार उतनी मर्जी आपको कूपन कोड मिलेगा, बस आपको थोड़ी सी स्मार्ट वर्क करना है। अब आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप तो लाइक करो और शेयर कर दो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, ताकि आपको तो पता ही है यूट्यूब नोटिफिकेशन बेस्ट टाइम है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगेगा तो यार फिर से आएगा, मैं रिपीट की मुझे कमेंट में भी बताओ कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।